प्लास्टिक। अंतिम मूवी का वो डायलॉग याद है, इस दुनिया में कुछ नहीं टिकता सिवाय प्लास्टिक के, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल नहीं है ना प्लास्टिक। सुनने में आया क्या, आवर गवर्नमेंट हैज बैंड सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम 1st of July। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कौन, तो मैं NSSPIT सिंदरी द्वारा प्रस्तुत इस शॉर्ट स्टोरी का सूत्रधार। प्लास्टिक हमारे डे टू डे लाइफ का हिस्सा सा बन गया है, पर डू यू नो इस प्लास्टिक ने लाइफ को शॉर्ट टर्म के लिए जितना आसान बनाया है, लॉन्ग टर्म के लिए एनवायरनमेंट के ऊपर उससे कई ज़्यादा बुरा नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। चलो लेट्स प्रोसीड टू द शॉर्ट स्टोरी ऑफ अ कन्वर्सेशन बिटवीन मनीषा एंड शुभम, जहाँ आपको प्लास्टिक के बारे में और बताया जाएगा। सुना तुमने गवर्नमेंट प्लास्टिक बैन कर रही है 1st of July से? हाँ सुना मैंने, वैसे स्टेप ये सही है ना, इतना पॉल्यूशन हो रखा है। पॉल्यूशन तो है, बट अल्टरनेटिव्स की उसका क्या? प्लास्टिक अगर अचानक से बंद कर देंगे तो प्रॉब्लम्स काफी बढ़ जाएंगे। अल्टरनेटिव में हम सब क्लॉथ बैग, जूट बैग, डेनिम बैग या पेपर बैग भी तो यूज कर सकते हैं। कभी ध्यान से देखा है प्लास्टिक किस तरह से प्लैनेट को पॉल्यूट कर रहा है? वाटर, सॉइल, हर तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक। हाँ यार सच में, जिस वजह से कई बार गार्बेज से स्ट्रे डॉग्स और काउज प्लास्टिक्स भी खा लेते हैं एंड दे गेट शॉक्ड टू डेथ। तुम्हें क्या लगता है, अगर ऐसा ही रवैया रहा हम लोगों का तो हमारा फ्यूचर कैसा होगा? जैसा मैं इमेजिन कर पा रही हूँ उस सिनेरियो को, मैनेजिंग प्लास्टिक प्रॉब्लम विल बिकम अ सीरियस कंसर्न ऑल ओवर द वर्ल्ड। साइंटिस्ट आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू फाइंड अ वे बट कुड नॉट सक्सेड। प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर टॉक्सिक के रूप में हर तरह से सी और अदर वाटर बॉडीज को पॉल्यूट कर चुकी है। एक्वाटिक लाइफ लगभग खत्म हो चुकी होंगी, मछुआरों की रोजी रोटी जा चुकी होगी और वो भी अपने अपने फैमिली को पालने के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे। जमीन लगभग बंजर हो चुकी होंगी और बढ़ी हुई पॉपुलेशन दोनों मिलकर फूड स्कार्सिटी के रूप में एक विकराल संकट लाकर खड़ा कर देगी। बीमारियां भी बढ़ेंगी, चोरी होगी, डकैती होगी, लोग लड़ेंगे, देश लड़ेंगे अनाज और पानी के लिए। इसलिए अगर आज ना सुधरे तो नेचर शायद हमें कल सुधरने का मौका ना दे पाए। सुनकर ही कुछ बम्स आ रहे हैं। Let's take pledge कि आज से we will avoid the use of plastic. We will stand for good cause of no uses of plastic bags. So, they have taken the pledge to avoid the use of plastic. आप भी प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। For nature's sake, don't be plastic. Say no to plastic.